हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीवाई की दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस जो कि कैट 2020 में आए थे, और इसी टाइम जो पेपर पैटर्न था चेंज हुआ था, लाइक द 3 आवर्स से 2 आवर्स हुआ था एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रिड्यूस हुए थे। सो मैंने तीनों स्लॉट का पेपर फाइंड आउट किया एंड आई गॉट 7 क्वेश्चन जो कि परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के थे। इट मीन्स डेट अगर एवरेज लो तो हर एक स्लॉट में दो दो क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। दो क्वेश्चन आना एक टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि दो क्वेश्चन गिव यू 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स का अगर आप परसेंटाइल के टर्म में देखो सो इट विल फेच यू मोर देन 50%, मतलब 50% सम अराउंड के आसपास। सो इस टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट एंड सभी चीजें क्लियर है, इट्स नॉट टेक मोर देन 1.5 ईयर, सॉरी हाफ मिनट्स, नॉट ईयर, सॉरी माई बैड। ओके सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो रीड करते हैं। अ पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज, वन सेकेंड, टू परचेज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट एंड लैपटॉप एट 10% लॉस। इफ द ओवरऑल ही मेड अ 2% प्रॉफिट, ओके प्रॉफिट, देन द परचेज प्राइस इन रुपीज ऑफ डेस्कटॉप इज। सो वी हैव टू फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ डेस्कटॉप। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। तो गाइज इफ यू नॉट ट्राइड सो प्लीज ट्राई करो सॉल्व करना एंड देन सॉल्यूशन देखना। सो लेट्स एज्यूम दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर 100x। We have to find the purchase price and we do not know actually the cost price of computer and laptop and we have to find. So let's assume the cost price of desktop computer is 100x and laptop computer is 100y, and the first statement of the question is that like the total cost spend on both purchasing like desktop and laptop, person spent 50,000. It means that 100x plus 100y equal to 50,000. So x plus y equal to 500. This is equation one. Equation one हमको मिल गया। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लाइक ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट। अब देखो डेस्कटॉप का कॉस्ट तो हमने 100x लिया और 20% प्रॉफिट, और लैपटॉप 10% लॉस, और यहाँ पे ओवरऑल 2% का प्रॉफिट कर रहा है। इट मींस दैट जो इक्वेशन बनेगा वो सारे प्रॉफिट के टर्म में बनेगा, क्योंकि जो इक्वल टू के टर्म में है वो प्रॉफिट ही दिया हुआ है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि किस टर्म में हमको लेकर जाना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो इसीलिए हमको इक्वेशन प्रॉफिट के टर्म में ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देखो 20% प्रॉफिट आउट ऑफ 100, इट मींस दैट 20x का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे 10% का लॉस है लैपटॉप पे, सो लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 100 और लॉस है तो माइनस होगा 10y, और ये 2% का प्रॉफिट ओवरऑल अर्न कर रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग सीपी पे निकालते हैं, तो 2% का प्रॉफिट, इसमें 2% ऑफ 50,000, हाउ मच, 50,000 का 2%, सो 1% इज 500 एंड 2% इज 1,000, सो 20x माइनस 10x इज 1,000, सो 1010 कैंसिल आउट, सो 2x माइनस y इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व कर लेते हैं। सो x प्लस y इक्वल टू 500, 2x माइनस y इक्वल टू 100 कैंसिल आउट, 3x इक्वल टू 6
6 इक्वल टू 200. सो एक्स वी गॉट वैल्यू ऑफ एक्स 200 एंड द कॉस्ट प्राइस वी हैव टू फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप ओके, सो वी नो नीड टू फाइंड वाई. ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि देखना है क्या फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे अगर हम वाई का वैल्यू निकालते तो वो वेस्ट टाइम वेस्ट हो जाता, हमको वाई का कोई मतलब ही नहीं है. सो जस्ट वी नीड ओनली एक्स. सो डेस्कटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सो 20,000, 100 इंटू एक्स 20,000, डेट इज, अच्छा ये तो टीटा है. सो 20,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन. बस आपको चीजें समझना था कि कैसे इक्वेशन को किधर इक्वेट करना है और कहाँ पे एजम्पशन लेना है डेस्कटॉप प्राइस का. अदरवाइज ये भी था कि मान लो कि जैसे डेस्कटॉप का हमने कॉस्ट प्राइस ले लिया 100x, सो लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस हो जाता 550,000 -100x. आप यहाँ से भी लेके सॉल्व कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता. हो सके थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता लेकिन सॉल्व यहाँ से भी हो जाता. सो आपको जिस मेथड से कंफर्टेबल हो यू कैन सॉल्व. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड गाइज इफ यू लाइक द वे आई एम सॉल्विंग प्लीज लाइक द वीडियो. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन. सो इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ मेंबर आर यंग ओके while rest are old, okay. 65% of member are literate and 25% of the 25% of literate are young. Okay, 25% जो literate है वो young है, cool. Then the percentage of old people among the illiterate is nearest to. So we have to find the illiterate. इतने illiterate person है old में और total illiterate से हमको उसमें percentage find out करना है. सो वी गॉट आवर मोटो, हमको इलिटरेट फाइंड आउट करना है. अब देखो यहाँ पे क्या है सिंपल, मैंने इतना बार बताया कि जब भी सिर्फ परसेंटेजेस परसेंटेजेस में वैल्यू हो तो हम लोग एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, और परसेंटेज में 100 से गुड इंटीजर वैल्यू कोई होता नहीं है परसेंटेजेस के क्वेश्चन में. सो वी अज्यूम कि टोटल पॉपुलेशन जो था वो 100 था. टोटल जो पॉपुलेशन था वो 100 था, इसमें 28% यंग, मतलब 28 यंग, ओल्ड कितने हो गए 72. आई होप दिस इज क्लियर फर्स्ट स्टेटमेंट से. अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ 60% ऑफ मेंबर आर लिटरेट एंड 25% ऑफ लिटरेट आर यंग. अब देखो 65% मेंबर लिटरेट है, मतलब जितना पॉपुलेशन है उसमें 65% लिटरेट है. सो 100 मेरा पॉपुलेशन था, लिटरेट 65, सो इलिटरेट कितना हो गया, इलिटरेट 35. अब देखो हमको टोटल इलिटरेट पता चल गया लेकिन वी हैव टू फाइंड द इलिटरेट जो ओल्ड है, ओल्ड कितने इलिटरेट है. सो हमको इलिटरेट यंग का इलिटरेट अगर मिल जाएगा, मतलब यंग का हम इलिटरेट फाइंड आउट कर लें, सो ओल्ड का इलिटरेट हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा. तो देखते हैं उसके लिए क्या कुछ दिया हुआ है. अब बोल रहा है कि 20, अच्छा देखो यहाँ पे यही इसीलिए स्टेटमेंट दिया है कि 25% लिटरेट आर यंग. अब 25% जो लिटरेट है वो यंग है, इट मीन्स दैट बाकी जो यंग है वो इलिटरेट होंगे. तो 25%, अब देखो 65% लिटरेट है सो इसमें 25%, मतलब 1/4 इंटू 65, ये यंग है, ये यंग लिटरेट है. सो ओल्ड लिटरेट कितने होंगे, 3/4 इंटू 65. लेकिन हमको ओल्ड लिटरेट से कुछ करना ही नहीं है, सो इसको हम कुछ करेंगे ही नहीं, जस्ट एज इट इज छोड़ देंगे. सो अभी यंग का हम लिटरेट फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आ रहा है. सो 65/4 और जो ओके 16/4 64, 16/4 64 10, सो 2, 8 और 5, 16.25 यहाँ पे ये लिटरेट यंग है. अब देखो गाइस यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया. देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सो वी डोंट नो कि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा. सो अभी हमको पता चल गया कि फ्रैक्शन में आए. सो इस फ्रैक्शन में हम डील ना करते हुए हम यहाँ सारे वैल्यू में अगर हम 4 से मल्टीपल कर देना
ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो बस ये चीज आप ध्यान में रखना। अभी मैं नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मुझे इरेज करना है, और करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखना कि यहाँ 25% 1/4 ऐसे है, तो वो 4 का ये मतलब डिनोमिनेटर में 4 आएगा, सो वी हैव टू टेक मल्टीपल ऑफ 4, और 100 × 4 कर देते हैं, तो 400 हो जाएगा। सो ये चीजें ध्यान में रखना, अदरवाइज ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा ना ये कितना वैल्यू अज्यूम करना है, तो फ्रैक्शन में भी आ गया तो कोई डील नहीं है उतना बड़ा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इतना तो मुझे 16.25 जो यंग है वो लिटरेट है, तो देखो यहाँ टोटल 28 यंग है, तो इसमें जो लिटरेट है वो 16.25, सो इलिटरेट कितने हो गए, इलिटरेट 16.25 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 28 से, सो 0.75 बिकम 17 और 11। देखो 11.75 यंग इलिटरेट है, हमको तो फाइंड करना है ओल्ड इलिटरेट, सो देखो यहाँ पे 35 टोटल इलिटरेट है, यंग इलिटरेट 11.75, सो ओल्ड इलिटरेट कितने हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 35 - 11.25, सो 25 बिकम 12, सो 3 15 और 2 23.25 ओल्ड इलिटरेट हो गए। अब हमको क्वेश्चन तो वही पूछा है ना, लाइक द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट, सो ओल्ड पीपल इलिटरेट डिवाइडेड बाय टोटल इलिटरेट, सो ओल्ड इलिटरेट इज 20 20, 1 सेकेंड, ओके जस्ट 1 सेकेंड गाइस, यस सॉरी गाइस, सो 23.25 ओल्ड इलिटरेट डिवाइडेड बाय टोटल इलिटरेट 35 × 100, सो 2325 डिवाइडेड बाई 35। अब हमको कितना परसेंटेज है, सो ऑप्शन है 59 60 60 60 55, ओके सब 60 के अप्रोक्स है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अगर कैट में हो तो, अदरवाइज आपको तो मैनुअल करना ही पड़ेगा पर दूसरे एग्जाम के लिए। सो 60 60 180, ओके 6 से जाएगा, सो 6 50 6 18 210, सो 210, ओके 6 6 × 35 210 एंड 232, सो 225, तो 6 अगेन 6 6 जा 210, बचा 15, सो 150, कुछ भी 5 5 होगा, 25 25 15 9 4 होगा, तो 16.4 समथिंग आएगा, एंड ओके एंड वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट, सो नियरेस्ट वन इज द 66, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस बेसिक था, कुछ नहीं था, बस थोड़े से कैलकुलेशन में कॉशियस रहना था और कुछ नहीं था, कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, तो ये चीजें होगी अगर आप कैट में भी हो, अगर आपको नहीं पता है कि हाँ कौन सा वैल्यू, हम लोग परसेंटेज में जनरली 100 पे लेके चलते हैं, सॉल्व करते गए, अगर कहीं फ्रैक्शन पे आ गया तो ऐसा तो नहीं कि अब सबको इरेज करके फिर करें, फिर उसमें मेरा 1 1.5 मिनट टाइम वेस्ट होगा, सो इट इज बेटर टू सॉल्व फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सॉल्व करो, कितना फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 2 बस 3 वैल्यू, और ये भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, अनिल बाइज 12 टॉय एंड लेबल ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस एंड ही सेल 8 टॉय इनिशियली एट 20% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस, ओके देन ही सेल द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल 24 25% डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, ओके कैच, दस ही गेट अ टोटल ऑफ 2112 एंड मेक अ 10% प्रॉफिट विथ नो डिस्काउंट, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन, ओके मतलब डिस्काउंट के बिना, सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस,
एंड मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है और मार्क प्राइस कितना है टॉय का। सो वहां से हमको मतलब परसेंटेज प्रॉफिट निकल आएगा। सो अभी जब कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है ना मार्क प्राइस भी दिया है कहीं पे, बस एक सिंपल सा दिया है कि वो कुछ लेबल करता है और उस पे 20% का डिस्काउंट देता है लेबल प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस और लेबल प्राइस पे भी कुछ रिलेशन नहीं है। सो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, मार्क प्राइस, क्योंकि उसी पे 20% का डिस्काउंट है। सो लेट्स की मार्क प्राइस एक टॉय का 100x है, टोटल 12 टॉय है, 8 टॉय वो बेच रहा है 20% डिस्काउंट पे। सो मार्क प्राइस 100 है, 20% डिस्काउंट, इट मीन्स 80x, 80x वो 8 टॉय बेच रहा है। सो 640x में 8 टॉय बेचेगा, ओ सॉरी 640x में टोटल 8 टॉय सोल्ड आउट करेगा, एंड देन ही सेल द रिमेनिंग 4 टॉय, मतलब जो 4 टॉय बाकी हैं रिमेनिंग, एट एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखो डिस्काउंटेड प्राइस तो फर्स्ट में मेरा ये था 80x डिस्काउंटेड, अब फिर इस पे भी 25% का डिस्काउंट दे रहा है। सो 80x का 25% कितना हो जाएगा 20, सो 20x फिर डिस्काउंट दे दे रहा है। इट मीन्स दैट फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 4 टॉय इज 60x, 20 माइनस 80, 20x फिर डिस्काउंट दे दिया ना, तो ये 60x हो जाएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज 240x। देखो इतना मुझे सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि 10 ही गेट अ टोटल ऑफ 2112। तो देखो अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन टोटल जो अनिल को सेल करने पे कॉस्ट प्राप्त हुआ, आई मीन ही गेट एट द कॉस्ट 08628, 880 इतना रुपीज उसको गेट हुआ वाइल सेलिंग द 12 टॉय, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्राइस इज 2112। सो दिस 880x इक्वल टू 2112। सॉल्व करते हैं इसको, 2112 डिवाइडेड बाई 880। अब यहाँ पे तो कुछ 11 से जाएगा क्या, 11 से तो ये जा रहा है 11, सो 10 1 11 9 9 2, ओके कूल 11 से ये कट आउट हो रहा है। सो 11 8 जा 80 एंड 11 1 9 1 9 एंड 2 192, ओके। सो ये भी फिर भी कटेगा, ये 8 2 जा 16 3 2 8 4, सो 2.4, सो 2.4। देखो वेरी बेसिक था, मतलब बेसिक नहीं था, बस क्लिक होना चाहिए था कि हाँ 11 से ये कटेगा कि नहीं, थोड़ा सा ट्रायल एरर या फिर 2 से कट करते फिर वैसा वैसा करके, लेकिन मुझे लगा कि 11 इंटू 8 है 88, सो देखते हैं इसको चेक करके कि 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। सो अदरवाइज 11 का चेक करने का ये भी है कि इसको इसको ऐड किए 2 3 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 3, मतलब अब नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है। सो इससे एक्स का वैल्यू 2.4, इट मीन्स डैट मार्क प्राइस 240। देखो मार्क प्राइस हमको फाइंड आउट हो गया एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिए तो मेरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए ये दिया है एंड मेक्स अ 10% प्रॉफिट, वो 10% प्रॉफिट बनाया, इट मीन्स दैट जो सेलिंग प्राइस पे सॉरी हाँ कॉस्ट प्राइस पे ही तो वो 10% का प्रॉफिट बनाएगा ना। दैट कॉस्ट प्राइस इंटू 11 बाई 10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इंटू 11 बाई 10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2112, सॉरी 2112। सो यहाँ पे हमने चेक किया था 11 पर 192, सो कॉस्ट प्राइस इज 1920। देखो कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड आउट हो गया 12 टॉय का, ये टोटल है ना, तो टोटल हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया क्योंकि ये टोटल टोटल प्राइस इसको मिला था सेलिंग करने के बाद।
सो ये टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया। सो टोटल कॉस्ट प्राइस 1992 फॉर 12 टॉय। सो 1 टॉय के लिए कितना होगा? 1920 डिवाइडेड बाई 12। सो 12 1 7 2 12 6 0 160। ओके सो सीपी भी मुझे फाइंड आउट हो गया। 1 टॉय का सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी हाँ सीपी हमको फाइंड आउट हुआ 160 और मार्क प्राइस 240, एंड वी हैव टू फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा जब डिस्काउंट कुछ भी ना दे। सो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? सो सेलिंग प्राइस ही 240 हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा विथ नो डिस्काउंट। सो आवर प्रॉफिट इज 80, 160 माइनस 240 80 एंड डिवाइडेड बाई 160 डेट इज सीपी का। सो यहाँ पे 200, सो ये हो जाएगा 50। सो 50% का प्रॉफिट होगा, डेट इज ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलते गया ना अर्थमेटिक में, बस वन थिंग होता है कि जैसा जो क्वेश्चन बोल रहा है ना बस उसको वैसे फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अलजेब्रा में ये नहीं है, अलजेब्रा में होता है कि आपको फॉर्मूला एंड ऑल लगाना पड़ता है, लेकिन अर्थमेटिक का यही एक प्लस पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चन बोल रहा है बस वो आप उसको मैथमेटिकल टर्म में रिटर्न डाउन करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, बस यही चीज करना होता है और कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। सो रीड करते हैं। इन मई में मतलब जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल। ओके अप्रैल और मई का सेम है, बट स्पेंड 150 मोर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाई 20% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। मतलब राइस का प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ एंड व्हीट का प्राइस 12% से इंक्रीज हुआ। इफ जॉन हैड स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल, ओके देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई। सो वी हैव टू फाइंड द कि मई में कितना स्पेंड किया। सो ओके सॉल्व करते हैं, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। देखो क्या बोल रहा है कि अमाउंट जो है ना वो सेम है, राइस का भी और व्हीट का भी अमाउंट सेम है, मई और अप्रैल में दोनों का अमाउंट सेम है। सो ये अप्रैल का सिनारियो हो गया और यहाँ पे मई का सिनारियो हम लोग ले लेते हैं, और ये हो गया व्हीट और ये हो गया राइस। ओके अब क्या बोल रहा है कि अमाउंट सेम है ठीक है, बट ही स्पेंड 150 मोर ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस व्हीट इतना रिस्पेक्टिवली। इफ जॉन हैड स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल, ओके सो ये टोटल 450 स्पेंड कर रहा है राइस पे। अब देखो अमाउंट तो हमको नहीं पता कि कितना अमाउंट था, दोनों कंडीशन में अमाउंट सेम है, सो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो राइस का अमाउंट है ना वो 1 kg है, वो 1 kg ही बाई कर रहा है। सो 1 kg अमाउंट राइस बाई किया, सो रेट हो जाएगा 450 ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल स्पेंडिंग 450 है, सो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट पर केजी 450 हो गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लाइक राइ प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस 20%, सो कॉस्ट प्राइस इन अप्रैल 450, सो 20% का इंक्रीमेंट कितना होगा, क्योंकि सेम अमाउंट दोनों में दोनों मंथ में वो सेम अमाउंट ही बाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ भी 1 kg ही बाई करेगा, लेकिन राइस का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया। तो 20% ऑफ 450 इज हाउ मच?
सो 45 इज 10%, 20% इज 90, सो 450 प्लस 90, सो दिस इज 540, सो ये हो गया 540, 540 मई में वो 540 पे कर रहा है, मतलब प्लस 90 रुपीज एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू अप्रैल, ओके। बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ही स्पेंड 150 मोर ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज। अब देखो 90 यहाँ पे स्पेंड कर दिया एक्स्ट्रा, तो 60 ही तो रिमेनिंग बचा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंड करेगा ना, जो मोर स्पेंड हुआ है एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अप्रैल। सो 90 रुपीज वो राइस पे स्पेंड कर रहा है एक्स्ट्रा ड्यू टू द प्राइस इन्फ्लेशन, सो व्हीट पे 60 एक्स्ट्रा करेगा। एंड वी हैव टू फाइंड कि वीट में कितना स्पेंड किया। सो अभी देखो यहाँ पे हमको अप्रैल का भी कुछ कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, सो डेट हम मई में निकाल लेंगे। सो लेट सपोज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो वीट का था वो 100x, और यहाँ भी 1 kg ही वो बाई कर रहा है, एज्यूम कर रहे थे कि 1 kg बाई किया, सो यहाँ भी वो 1 kg ही वीट बाई करेगा। बट प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है 12% से, इट मीन्स डेट यहाँ पे जो प्राइस होगा वीट का वो 12% इंक्रीज करके मतलब 112x होगा यहाँ पे। तो ये 12x एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है। अब देखो जो हमने अजम्पशन किया उसके अकॉर्डिंग 12x एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 60 है, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सो ये 12x इक्वल टू 60 हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन द प्राइस स्पेंड कहती प्राइस इंक्रीज लाइक 12% का इंक्रीमेंट हुआ, सो 12x हम लोग एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 जो 90 हमने यहाँ स्पेंड किया, तो 60 यहाँ पे, सो 12x इक्वल टू 60, सो x इक्वल टू 5, सो x 5 हो गया। सो एंड वी हैव टू फाइंड द स्पेंड ऑन वीट इन मई, सो 112, टोटल स्पेंड तो 112 ही है ना, तो 112 इंटू 5, 12 5 जस्ट 60, और 5 5 6, दैट इज ऑप्शन सी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक, नॉट अ डिफिकल्ट वन, मीडियम में भी नहीं था, मतलब इजी इजी कैटेगरी में इसको हम बोल सकते हैं।